रही। अच्छा, आज जो हम पढ़ेंगे एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें दो ग्लैंड्स पढ़ेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड। तो सबसे पहले हम पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? एक्चुअली इट इज आल्सो नोन एज द हाइपोथैलेमस एंड इट्स फाउंड एट ऑफ द ब्रेन अबाउट 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर, लाइंग बिनीथ द थर्ड वेंट्रिकल इन अ बॉडी कैविटी दैट इज आल्सो नोन एज सेला जर्सिका in the base of the skull. It has a complex structure. The gland, as you know, divided into two main parts, the anterior pituitary end, that is also called the adenohypophysis. Dekhiye ye aapka MCQ ho sakta hai na. Anterior pituitary ko aap adenohypophysis bhi keh sakte hain. Awaaz aapko clear nahi aa raha ma'am. Okay. अब बताएं मुझे आवाज क्लियर है? पिट्यूटरी ग्लैंड आल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस, बताइए मुझे आवाज क्लियर है? मैं स्टार्ट करूं आगे। क्लियर है मेरी? कौन कौन ऑनलाइन है? जिसने कहा था मेरी आवाज क्लियर नहीं है वो ही बता दें, आवाज क्लियर है अभी मेरी? जी मैम, अभी अब सही आ रहा है। यस मैम, क्लियर है। ओके। अच्छा देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है आप हाइपोफाइसिस भी कहते हैं और इट्स डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स, दैट इज द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दैट इज आल्सो नोन एज द एडिनो हाइपोफाइसिस एंड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको आप कह सकते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, ये आपका एमसीक्यू बन सकता है। इट इज कंपोज ऑफ बोथ न्यूरल एंड ग्लैंडुलर टिश्यू। बोथ टिश्यूज प्रोड्यूस हार्मोन। ठीक है, एंटीरियर भी प्रोड्यूस हार्मोन करते हैं, पोस्टीरियर भी। दैट इफेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। Each part originates from the different embryological source. ये भी एक another MCQ आपका होगा कि embryological इसकी origin क्या है, मैं आगे slide में बताऊंगी आपको, which is reflected in their different structure and function. Adeno means related to the glands, and the adeno hypophysis consists primarily of the glandular epithelial tissue. जो देखें आपका posterior part है पृथ्वी का, उसकी जो embryological origin है वो nervous tissue से है। ठीक है, ये भी आपका एक एमसीक्यू हो सकता है। इट्स फॉर्म फ्रॉम अ डाउन ग्रोथ ऑफ द डाइसेफलॉन दैट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, एंटीरियर पार्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द अप ग्रोथ फ्रॉम द ओरल एक्टोडर्म ऑफ द प्रिमिटिव ओरल कैविटी दैट इज कॉल्ड थोरैकिक पाउच। एंटीरियर पिट्यूटरी अगर हम देखें माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर करें तो हमें थ्री जो है इसमें बेसिकली स्टेम सेल्स नजर आते हैं। व्हाई वी कॉल इट द बेस्ट स्टेम सेल्स, बिकॉज इट टेक अप द एच एनी स्टैंडिंग प्रोसीजर। आप इस तरह से इसको डिवाइड कर लें कि एडिनो हाइपोफाइसिस रिवील्स थ्री डिस्टिंक्ट सेल टाइप्स, दैट इज कॉल्ड द एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड द क्रोमोफोर्स। एसिडोफिल्स एंड बेसोफिल्स जो है वो डिफरेंट types of cells वो divide होते हैं, which have different secretory products and the target organs. Subtypes of acidophils and basophils are distinguished by HNE, the other histological stain. Begin stain, but can be stained specifically by the immunohistochemical techniques. और वो techniques आती हैं, वो आप पढ़ेंगे अपने staining procedures में कि apart from the HNE stain, कौन कौन से आपके histochemical stains हैं जिससे ये स्टैंडिंग प्रोसेस टेकअप करते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट्स फाइव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। द कैपिलरीज इन द ग्लैंड्स आर फेनेस्ट्रेटेड टू इनेबल पैसेज ऑफ द हार्मोन्स फ्रॉम द सीक्रेटरी सेल्स इन द ब्लड स्ट्रीम। द एंटीरियर पिट्यूटरी आल्सो कंटेन वन टाइप ऑफ क्रोमोफोर सेल्स व्हिच स्टैन ओनली ब्रीफली। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि थ्री डिस्टिंक्ट सेल्स टाइप होते हैं, उसमें वन ऑफ द इस क्रोमोफोर सेल्स हैं। These are the resting here degranulated chromophore cells. अच्छा, ये एक स्लाइड है जो कि मैंने नेट से ली थी विकिपीडिया से। इस स्लाइड्स में देखें आप,
ये मैग्निफाइड इमेज है, ठीक है, इसको किया गया चेरी स्टेम से. इट शोज टू टाइप्स ऑफ क्रोमोफिल सेल्स. जो पिंक वाला है वो आपका एसिडोफिल सेल्स है, विच आर मोर कॉमन, ठीक है, और जो पर्पल वाला है वो आपका बेसोफिल्स है. इसके अलावा टू टाइप्स के जो वही क्रोमोफिल सेल्स, जिसको आप एसिडोफिल और बेसोफिल्स कह रहे हैं, वो डिवाइड होते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में, ठीक है, जिनका स्पेसिफिकली टारगेट ऑर्गन्स होते हैं. अच्छा देखिए, इतना ही इंपॉर्टेंट था हिस्टोलॉजिकल पर्पस ऑफ से रेसिडुअल्स है. इसका वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस है, इसकी इंपॉर्टेंस है काफी. इन हिस्टोलॉजिकल पर्पस से आपको यही डिफाइन करना है कि जो स्टेनिंग प्रोसीजर है वो कितने टाइप के सेल्स लेते हैं और कितने में वो डिवाइड होते हैं और इनका फंक्शंस क्या है और एम्ब्रियोलॉजिकल इसकी ओरिजिन क्या है, ठीक है. पोस्टियर पिट्यूटरी, मैंने आपको बताया कि पोस्टियर पिट्यूटरी भी ज़हर सीक्रेट करते हैं हार्मोन्स, एंड इट्स लुक्स वेरी डिफरेंट टू द एंटीरियर पिट्यूटरी. इट कंटेन्स नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स व्हिच आर द न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स. द सेल बॉडीज ऑफ दीस सेल्स आर लोकेटेड इन द हाइपोथैलेमस. इट सीक्रेट्स टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स. अनदर देखिए, इसका एमसीक्यू आपके पास आ गया, ये आता है और समझे फाइनल ईयर तक ये एमसीक्यू आता है. तो आप देखें कि वो कौन से दो हार्मोन सीक्रेट करता है. एक तो एंटी डायुरेटिक हार्मोन, जिसको आप ADH भी कहते हैं, विच एक्ट्स ऑन द किडनी, एंड सेकंड हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन, जो कि एक्ट करता है यूट्रस में. अच्छा, ये आपका एमसीक्यू आता है, रिपीटेड होता है, आप कोई सी भी एमसीक्यू की बुक उठा लें, बार बार ये सवाल किए जाते हैं, ठीक है. तो चार एमसीक्यू समझे आपके इस पोर्शन से ही बन गए. थायराइड ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, थायराइड ग्लैंड भी, ठीक है. इसके फंक्शन सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि फंक्शन क्या है. अब देखिए, फिजिकल क्लास होती तो मैं आपसे भी पूछती कि थायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या है, वो सब जानते हैं कि क्या फंक्शन है. कि मेन फंक्शन जो है इसका वो है प्रोड्यूस करना थायराइड बेस्ड कंटेनिंग हार्मोन लाइक द ट्राईआयोडोथायरोनी एंड द थायरोक्सिन, ठीक है, दैट इज T3 एंड T4. एंड अदर हार्मोन इज द पेप्टाइड हार्मोन दैट इज नोन एज द कैल्सिटोनिन. देखिए, हम T3 को व्हाई इट सो नेम, बिकॉज इट कंटेन थ्री एटम्स, ठीक है, ऑफ द आयोडीन पर मॉलिक्यूल्स. And T4 contains 4 atoms of iodine per molecule. आप सब स्टूडेंट्स के लिए ये मैं बात बोल रही हूँ. अगर देखें फिजिकल क्लास होती तो मैं ये बात आपको समझाती, आपसे कोई भी abruptly ये सवाल कर सकता है ना, तो why T3 is so named, कोई भी वाइवा में पूछ सकता है. तो आपको बेसिक मालूम होना चाहिए कि T3 is so named because it contains 3 atoms of iodine. And T4 is so named because it contains 4 atoms of iodine per molecule. Thyroid hormones have a wide range of effects on the human body. थोड़ा ये T3 और T4 का फिर से रिपीट करना मैम प्लीज. जी मैं करती हूँ, आगे भी मैं रिपीट करूंगी इसी के हवाले से, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता देती हूँ कि देखिए मेन फंक्शन थायराइड का जो है वो हार्मोन्स की प्रोडक्शन है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या आता है, T3 और T4, और कैल्सिटोनिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगी. व्हाई इट्स सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज देखें इसका इफेक्ट बहुत है मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पर. अभी आगे स्लाइड में आपको इसका क्लियर करके बताऊंगी. T3 को हम क्यों कह रहे हैं T3, आपके जहन में ये सवाल आ सकता है ना, तो फिर आप बता सकते हैं T3 इसलिए कहते हैं बिकॉज इट कंटेन 3 एटम्स ऑफ आयोडीन पर मॉलिक्यूल. और T4 इसलिए कहते हैं कि ये 4 एटम्स ऑफ आयोडीन जो है वो कंटेन करता है पर मॉलिक्यूल. अब इसका इफेक्ट क्यों है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है थायराइड, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका इफेक्ट आता है वो मेटाबॉलिक पे इफेक्ट आता है. आप देख लें न्यू बॉर्न से लेकर अडल्ट तक आप जो एक मेन टेस्ट करवाते हैं वो थायराइड प्रोफाइल का टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि ये आपका इफेक्ट करता है आपके बेसल मेटाबॉलिक पे, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर, ठीक है, आपकी ग्रोथ पे इसका इफेक्ट होता है. तो अभी सिर्फ मैं फंक्शंस बता रही हूँ आपको. फंक्शन में सबसे नंबर वन इज मेटाबॉलिक. व्हाई? बिकॉज इट इंक्रीज द बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड हैव इफेक्ट ऑन ऑलमोस्ट ऑल बॉडी टिश्यूज. एपिटाइट पे इसका इफेक्ट है, एब्जॉर्प्शन सब्सटेंसेस की इस पर डिपेंड करती है, गट मोटिलिटी इस पर डिपेंड करती है, ऑल इंक्रीज बाय द थायराइड हार्मोन्स. Because it increases the absorption in the gut, ठीक है, generation, uptake by cells, and breakdown of the glucose. They stimulate the breakdown of fats and increase the number of free fatty acids. Despite increasing free fatty acids, thyroid hormone decreases cholesterol level, perhaps by increase the rate of secretion of cholesterol in bile. फिर आपका cardiovascular system पे इसका इफेक्ट आ जाता है कि it increases the rate and strength of the heartbeat.
ठीक है, देखिए जो भी न्यू बॉर्न होता है तो सबसे पहले हम उसका टेस्ट करवाते हैं कि उसका थायराइड का फंक्शन क्या होना चाहिए, हाइपो में तो नहीं गया बच्चा या हाइपर में तो नहीं। पहले हाइपर की तो मैनिफेस्टेशन बहुत लेट अपियर होती है, लेकिन हम ये चेक करते हैं कि वो हाइपो में तो नहीं है। और इसका इफेक्ट जो है ना वो हार्ट बीट पे बड़ा है, क्योंकि इट इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीदिंग इंटैक्ट एंड कंजम्पशन ऑफ द ऑक्सीजन एंड इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। कंबाइंड दीज फैक्टर्स इंक्रीज द ब्लड फ्लो एंड द बॉडीज टेम्परेचर। थर्ड है आपका, देखिए जैसे अभी मैंने बताया कि डेवलपमेंटल जो इसका इफेक्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ पे किस तरह से इसका इफेक्ट होता है कि ये इंक्रीज करता है ग्रोथ रेट ऑफ द यंग पीपल्स एंड सेल्स ऑफ द डेवलपिंग ब्रेन। ठीक है, जो ब्रेन अभी आपका डेवलप हो रहा है उसके बड़ा इसका इफेक्ट है। मेजर टारगेट है थायराइड हॉर्मोन्स T3 और T4 का। थायराइड हॉर्मोन्स प्ले पर्टिकुलरली क्रूशियल रोल इन द ब्रेन मैच्योरेशन ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पे ये क्लियर बात हो गई है कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फीटल डेवलपमेंट के दौरान ब्रेन की मैच्योरेशन में। ठीक है, इन द फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ द पोस्टनेटल लाइफ आल्सो थायराइड हार्मोन्स प्ले अ रोल इन मेंटेनिंग नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन स्लीप एंड थॉट पैटर्न। इंक्रीज लेवल आर एसोसिएटेड, अगर इंक्रीज लेवल होगा तो वो क्या एसोसिएटेड होगा, विद द इंक्रीज स्पीड ऑफ थॉट्स जनरेशन बट डिक्रीज फोकस। Sexual function including libido and the maintenance of the normal menstrual cycle are influenced by the thyroid hormones. Structure क्या है, अब आप आ जाते हैं इसका structure पे जो कि बहुत important है histological purpose of. अगर देखें physical class होती ना तो मैं आपको बहुत अच्छे से PPT इसका बताती आपको आपसे पूछती भी। Thyroid gland देखें basically is a bilobular endocrine gland that is found in the neck, anterior and inferior to the larynx. ये इसका MCQ भी आ सकता है अगर आया तो। ठीक है, the lower two thirds of these lobes are connected by a thin band of tissue called the thyroid isthmus. अच्छा देखिए मैं आपको एक बात समझा रही हूँ, थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बार बार एक बात समझा रही हूँ, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, वो बस जो कहा है आपको थायराइड पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, The main purpose of this organ is to produce, store and secrete the iodine-based hormones. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कौन सा, triiodothyronine and thyroxine, जिसको आप T4 भी कहते हैं। These hormones have various effects on weight, protein and carbohydrate metabolism, as well as on the development, especially the CNS and the general growth. Thyroid gland is unusual in that the hormones are stored in cavities surrounded by the secretory cells which make up a follicle. To secrete the hormone is reabsorbed from the cavity and then released into the surrounding interstitial spaces. The stored hormone is bound to the glycoprotein and this stored hormone is called colloid. अच्छा देखिए इसको हम अलग-अलग करके एलिब्रेट करके इसको पढ़ते हैं। इसका जो मेन स्ट्रक्चर है मैं भी आगे आपको बताऊंगी कि माइक्रोस्कोपिक या माइक्रोनेट में आप इसको किस तरह से आसान करके पढ़ेंगे, अभी मैं आपको कंसाइज करके बता रही हूँ। देखिए फंक्शनल यूनिट तो मैंने आपको बता दिया कि हर एक का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है, तो इसका भी फॉलिकल थायराइड फॉलिकल है जो कि लाइन पाए होते हैं फॉलिकल सेल्स जिसको आप थायरोसाइट्स कहते हैं एंड ओकेजनल पैराफॉलिकल सेल्स सराउंडेड बाय द ह्यूमन कंटेनिंग कोलाइड। अच्छा अगेन रिपीट हो रहा है कि कौन कौन से हार्मोन्स कोई चीज है और उसके फंक्शन के बारे में बता रहे हैं। जो कैल्सिटोनिन है प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कैल्शियम होमियोस्टेसिस। सिक्रीशन ऑफ द टू थायराइड हार्मोन्स इज रेगुलेटेड बाय द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन व्हिच इज सिक्रीटेड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय द थायरोपिन रिलीजिंग हार्मोन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस। ठीक है, TSH को भी रेगुलेट किया जा रहा है TRS जो कि प्रोड्यूस होता है बाय द हाइपोथैलेमस। अब देखिए माइक्रोनेट में आप इस तरह से इसको पढ़ेंगे कि बेसिक कंपोनेंट सबसे पहले आप पढ़ लें, इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या मैंने आपको बताया था कि थायराइड फॉलिकल होता है। ठीक है, नंबर वन थायराइड फॉलिकल, ये क्या होते हैं, ये स्मॉल स्फेरिकल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स है, इसकी मेजरमेंट बताइए 0.02 से लेकर 0.9 मिलीमीटर इन डायमीटर, दैट प्ले द मेन रोल इन द थायराइड फंक्शन। Means these follicles are the basic functional and structural units of the thyroid gland that produce thyroid gland. They are variable size and are tightly packed, composing
composing the bulk of the thyroid gland. Follicle consists of a simple, अभी यहाँ पर आपका histology आ जाता है कि follicle की composition क्या है. It's composed of a layer of simple epithelium enclosing cavity, जिसको आप follicular cavity, अभी आपको याद है कि ये cavity में enclosed है. That thyroid gland is unusual because ये hormone जो कि stored होता है cavities में, surrounded by the secretory cells which make up a follicle. ये देखिए, ये फॉलिकल आपके हैं और सिंपल एपिथेलियम है इनक्लोज इन अ कैविटी, जिसको फॉलिकुलर कैविटी कह रहे हैं. और कैविटी जो है वो फिल्ड हो रही है जेल लाइक विस्कस आयोडीन रिच मटेरियल, जिसको आप कोलाइट कहते हैं. ठीक है, इंटर फॉलिकुलर जो इसके स्पेसिस हैं वो फिल्ड हैं बाय द रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू से, एडिपोज टिश्यू से एंड ब्लड वेसल्स से. कोलाइट के बारे में है, देखिए पहला स्ट्रक्चर हमने बताया थायराइड फॉलिकल होता है, मैं आगे आपको बताऊंगी सेकंड स्ट्रक्चर इसका क्या होना चाहिए. कोलाइट के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये स्टेन होता है पिंक. ठीक है, बल्कि कोलाइट के बारे में आपको लास्ट में बताऊंगी. ये आप देख लें थायराइड फॉलिकुल है, कोलाइट इसके अंदर पिक्चर है. अच्छा, सेकंड मैंने आपको बताया था कि इट सराउंडेड बाय द थायराइड फॉलिकुलर सेल्स, ये एपिथेलियल सेल्स है. तो वो सबसे पहले आप थायराइड फॉलिकुल बोलेंगे, फिर सेकंड आप थायराइड फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स बोलेंगे. ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं विच फॉर्म द आउटसाइड लेयर ऑफ ईच थायराइड फॉलिकुल. द कोर ऑफ द फॉलिकुल इज सराउंडेड बाय सिंपल लेयर ऑफ द फॉलिकुलर सेल्स. व्हेन स्टिमुलेटिंग बाय द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन दी सीक्रेट T3 एंड T4. एक मिनट लेकर जी देखिए, ये जो है बेन स्टिमुलेटेड बाय द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन दी सीक्रेट द थायराइड हार्मोन दैट इज T3 एंड T4. फॉलिकल सेल्स वेरी इन द शेप फ्रॉम फ्लैट टू क्यूबॉइड टू कोलमनर डिपेंडिंग ऑन हाउ एक्टिव दे आर. फॉलिकुलर एपिथेलियम इज अ सिंपल एपिथेलियम, वही अभी आपको मैंने बताया था कि डिपेंड करता है कि सिंपल क्यूबॉइड और उसकी कितना वो एक्टिव है, उस हिसाब से इसकी चेंजेस आती हैं. क्योंकि लो कोलमनर भी हुए, क्यूबॉइडल भी स्क्वाम सेल्स भी हैं, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द फॉलिकल. जब ये एक्टिव होते हैं दे अपीयर क्यूबॉइडल टू लो कोलमनर, बट व्हेन दे आर इनएक्टिव द सेल्स आर स्क्वाम्स. अच्छा, अब आपके पास आ जाते हैं जो थर्ड कंपोनेंट्स हैं. आपने थायराइड फॉलिकल पढ़ा, थायराइड फॉलिकुलर सेल्स पढ़े, अब आपके पास आ जाते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स. पैराफॉलिकुलर सेल्स क्या है कि ये स्कैटर्ड हो गए अमंग फॉलिकुलर सेल्स के दरमियान ही ये स्कैटर्ड हो गए. एंड इन स्पीसीज अब ये देखिए कि ये स्पीसीज में होंगे बिटवीन द स्पेरिकल फॉलिकल्स के दरमियान अनदर टाइप ऑफ द थायराइड सेल्स दैट इज पैराफॉलिकुलर सेल्स. ये क्या सिक्रीट करते हैं, क्या इनका रोल है कि दे सिक्रीट कैल्सिटोनिन एंड आर सो कॉल्ड सी सेल्स. सी सेल्स अपीयर क्लियर ड्यू टू द फैक्ट दैट दे आर लाइटली स्टेन्ड ऑन द एचडी फिल्ट्रेशन. अच्छा, अब ये देखिए दे कैन बी बीट हो गई है स्लाइड हो गई. They can be found within the basal lamina of the thyroid follicles without extending into the follicular lumen or between thyroid follicles in the interfollicular species, either singly or in the form of the growths. Parafollicular cells are subtypes of neuroendocrine cells, that is, it is a mild precursor of death and decarboxylation that produce thyrocalcitonin, yeah, aapko calcitonin kehte hain. देखिए सिंपल जो इसको याद रखने वाला पॉइंट है ना, वो आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये फॉलिकुलर सेल्स के दरमियान में स्कैटर होते हैं और ये सी सेल्स भी कहलाते हैं बिकॉज ऑफ द क्लियर अपीयरेंस. और अब ये थर्ड इसके जो पॉइंट होगा वो ये कह सकते हैं कि ये प्रोड्यूस करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट इज कैल्सिटोनिन. ठीक है, इतना भी याद कर लेंगे तो इससे ना. और इसके अलावा ये कैल्शियम की रेगुलेशन करते हैं किस तरह से कि बाय द डाउन रेगुलेटिंग बोन रिजॉर्प्शन ब्रेकडाउन ऑफ द बोन एंड सब्सिक्वेंट रिलीज ऑफ द मिनरल्स इन द to the blood and limiting the calcium reuptake in the kidneys. Is tarah se ye balance karte hain. Acha, fourth aap jo uska structure padhenge wo hai thyroid capsule. Thyroid capsule is a fibrous capsule, encloses the entire thyroid gland.
From it extend thin collagenous septum. We divide the thyroid follicle into lobules. अच्छा एक मिनट दीजिएगा मैं बोलूँ. जी अब मैंने आपको पहले बताया था कि कोलाइड के बारे में आपको अलग से बताऊंगी. पांचवा जो उसका स्ट्रक्चर है मैक्रोलाइट वाला स्ट्रक्चर वो आपको कोलाइड के बारे में पढ़ेंगे. कोलाइड इज वेरी क्लियर विस्कस के जेल टाइप का सब्सटेंस होता है. ठीक है एमॉर्फस कैलेस को ए सेलुलर कैलेन प्रोटीनेशियस मटीरियल मटीरियल कहलाता है. ये कहाँ पे होता है सेंटर ऑफ द ईच थायराइड फॉलिकल्स के अंदर. जब मैं भी आपको बताती देखिए के दौरान इस कोलाइड का बहुत रोल है. ठीक है जब आप क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह तो मैं बताऊंगी आपको कोलाइड क्या होता है किस तरह से इसको मटेरियल को हम लेते हैं और क्या इसमें नजर आता है. ये प्रोटीनेशियस मटेरियल होता है बिल्कुल शाइनिंग सा मटेरियल होता है और इट्स इनएक्टिव प्रीकर्सर है ये T3 और T4 का. इट इज मेड अप ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन जिसको आप कहते हैं थायरोग्लोबुलिन से ये मेड अप होता है और एपिथेलियल व्हिच इज बाउंड टू द आयोडीन. द कोलाइड स्टेन पिंक होता है विद एचएली व्हाइल द फॉलिकुलर सेल्स जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसकी पर्पल अपीयरेंस होगी. द डिग्री ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द फॉलिकल कैन बी असेस्ड बेस्ड ऑन द अपीयरेंस ऑफ द कोलाइड इट कंटेन्स. अगर इनएक्टिव फॉलिकुलर ल्यूमिना होगा और लार्जर होगा तो कोलाइड इज अबंडेंट होगा. मींस कि इनएक्टिव फॉलिकुलर लैमिनस में ये अबंडेंट होगा और अपीयर सॉलिड होगा. इफ इट इज एक्टिव फॉलिकुलर लैमिना तो कोलाइड आपका मटेरियल जो होगा वो ना होने के बराबर होगा. मींस कि नॉन कोलाइड मटेरियल्स में एब्सेंट होगा या तो होगा नहीं या बहुत लिटिल होगा. अच्छा इसी के बारे में आपको कोलाइड के बारे में थोड़ा और बताना था. आपको एक पीछे स्लाइड है उसमें बता दूँ आपको ये. अच्छा मैंने आपको अभी बताया था कि इसकी अपीयरेंस होती है. अच्छा ये वही स्लाइड रिपीट हो गई है. ठीक है अच्छा ये सब आपने बता दिया कि सबसे पहले आपको थायराइड ग्लैंड को डिफाइन करना है उसका फंक्शन बताना है. ठीक है और फिर उसके बाद आप इसका माइक्रो जो हिस्टोलॉजिकल बेस पे जो मैं आपको बता रही हूँ उसको आपको सिर्फ मेन स्ट्रक्चर करके याद करना है कि मेन स्ट्रक्चर आपका फॉलिकुल आ गया फॉलिकुलर सेल्स आ गए आपके पैराफॉलिकुलर सेल्स आपके आ गए थायराइड कैप्सूल्स आपके आ गया और कोलाइड आ गया. ये मेन बेसिक इसका इस तरह से पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी. अच्छा अब आप पढ़ते हैं अगर थायराइड ग्लैंड वेल फंक्शन करे मीन्स के इसका प्रॉब्लम आ जाता है ये फंक्शन प्रॉपरली ना करे तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है. सिंपल करके अगर आप बताएं एक सवाल मैं पूछूंगा और आप सिंपल करके उसको कहते हैं कि हाइपोथायरायडिज्म हो सकता है हाइपोथायरायडिज्म हो सकता है ट्रैफिकिज्म हो सकता है एक्जिमा हो सकता है ग्रेव डिजीज हो सकता है. इम्पोर्टेंट आपका हाइपो हाइपर वो ग्रेव डिजीज आ जाता है. ठीक है तो हम उसको इस तरह से पढ़ेंगे कि अगर हाइपोथायरायडिज्म होता है तो क्या होगा कि थायराइड हार्मोन्स की एक्सेस प्रोडक्शन हो जाएगी तो जिसको आप क्या कहते हैं हाइपरथायरायडिज्म. ये भी आपका एमसीक्यू हो सकता है. देखिए मुझे मालूम है आपको आता है सब चीजें लेकिन तब तक हम सब कुछ जानने के बावजूद भी थोड़ी सी मिस्टेक कर जाते हैं घुसने के जहर हमारा फोकस्ड होता है पढ़ रहे होते हैं तो माइनर चीज को भी मिस्टेक करके आ जाते हैं. तो हाइपरथायरायडिज्म में क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो थोड़ा सा अपोजिट करके आ जाते हैं. अब जैसे हाइपरथायरायडिज्म में आपके पास जो कॉजेस में आ जाता है वो ग्रेव डिजीज है कि ग्रेव डिजीज की वजह से थायराइड हाइपर हो जाता है. टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गॉइटर है. आप थर्ड ईयर में आएंगे पेशेंट्स को देखेंगे तो आपको गॉइटर के पेशेंट्स नजर आएंगे सिंगल गॉइटर के साथ आएंगे. गॉइटर क्या होता है कि एक प्रोट्रूजन होता है एक ऐसा लगेगा कि कोई बिल्कुल एक हार्ड सी आपको जैसे उठली कह लें उर्दू में कि वो आपको नजर आएगी नेक के बिल्कुल इन फ्रंट. किसी की सिंगल होती है किसी की मल्टीपल होती है. हाइपरथायरायडिज्म में अगर आपको मल्टीपल नजर आती है तो आप कह सकते हैं कि मे बी ये पेशेंट हाइपर में जा रहा है. सॉलिट्रल थायराइड एडिनोमा हो सकता है इन्फ्लेमेशन भी रीजन हो सकता है पिट्यूटरी एडिनोमा भी रीजन हो सकता है हाइपरथायरायडिज्म का. वो क्यों कि इफ सिक्रेट्स द एक्सेस टीएसएच और अनदर कॉज जो है आपका वो क्या है एक्सेस आयोडीन की अवेलेबिलिटी हो या आपने आयोडीन का एक्सेस अमाउंट ले लिया है.
ठीक है, ज्यादा इंजेक्ट कर लिया उसको, या इंड्यूस्ड बाय द ड्रग एमिडाजोलोन। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में आता है, अभी तो नहीं आएगा आपके, जब आप एमफिल या कुछ भी करना चाहेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन उसमें आता है एमसीक्यू कि कौन सी ड्रग जो है इसको इफेक्ट करवा सकती है, तो उसमें ड्रग का नाम भी आपके पास आ गया, वो भी रीजन हो सकता है। Hypothyroidism often causes a variety of non-specific symptoms, including weight loss. अच्छा यहाँ पर आप देखिए इसको अच्छे से आप समझिएगा। Hypothyroidism क्या क्या करवा सकता है? Non-specific symptoms हो सकते हैं। देखिए हमारे पास पेशेंट आते थे तो हमें अच्छा पढ़ाया जाता था, ब्लड शुगर है तो पूछा जाता था, सर पूछते थे तो आप बताए इसका हाइपर होगा या ये हाइपर होगा, हाइपो होगा, तो आप उसकी कंडीशन सिम्टम से अंदाजा लगा लेंगे। ठीक है, हाइपर पेशेंट में आईज की प्रोफिजन भी पड़ी होती है, वो आपको आसानी से आप उसको कर सकते हैं डायग्नोस। उसमें ये हो सकता है कि वेट लॉस हो सकता है, इंक्रीज एपिटाइट है, इंसोमिया है, कि आप डिक्रीज टॉलरेंस ऑफ हीट है, ट्रीमर्स है, पैल्पिटेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे ट्रीमर और पैल्पिटेशन आ जाता है, एंजाइटी नर्वसनेस। ये कह सकते हैं हर पेशेंट अगर एंजाइटी नर्वसनेस का आ गया या ट्रीमर है तो यही होगा, आप उसको क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे। देखिए मैंने बताया था ट्यूमर को चेक करने का भी आप तरीका करेंगे, पेशेंट आपके पास आता है फिर इसीलिए तो आप सबसे पहले ये चेक करेंगे इन सम केसेस, क्योंकि फिर आप इसी हिसाब से कोरिलेट करेंगे ना पेशेंट्स को कि उसके सिम्टम्स तो ये बता रहे हैं तो आपके जहन में ये चीज आ रही है। इन सम केसेस इट कैन कॉज चेस्ट पेन, डायरिया, हेयर लॉस, सम केसेस में वीकनेस भी करवा सकती है। ठीक है, आप ये सिम्टम मैनेज तो हो सकती है टेम्पररी ड्रग्स से, जैसे कि आप पीछे ब्लॉकर्स दे सकते हैं, लेकिन जब तक कि थायराइड का फंक्शन आप सही नहीं होगा सही, ये बिल्कुल सिम्टम्स चलते रहेंगे, भले आप उसको ड्रग्स के जरिए इसको ट्रीट कर लें। अच्छा आप आ जाते हैं हाइपरथायरॉइडिज्म। देखिए हाइपरथायरॉइडिज्म डायग्नोस करना बहुत आसान है, क्योंकि इसके पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है। हाइपो में क्या होता है कि अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड है और मेजॉरिटी पेशेंट प्रेजेंट ही हाइपो में आते हैं। अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड रिजल्ट्स इन द हाइपोथायरॉइडिज्म। टिपिकल सिम्टम्स इसकी क्या होनी चाहिए, वहां देखें वेट लॉस हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है एबनॉर्मल वेट गेन हो रहा है, टायर्डनेस हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, वहां डायरिया हो रहा है। ठीक है, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, हेयर लॉस है, और यहाँ कोल्ड इंटॉलरेंस है, वहां पे हीट इंटॉलरेंस था, इसे कंपेयर करके पड़ेंगे तो आसानी हो जाएगी। स्लो हार्ट रेट है, iodine deficiency generally is the most common cause of hyperthyroidism worldwide, and the autoimmune disease जिसमें आप Hashimoto's thyroiditis is the most common cause in the developed world, यानी developing country में इतना important नहीं है, ये developed world में बहुत common है। ठीक है, हमारे तो बेचारे यहाँ पर iodine deficiency ज़्यादा common है, बाहर जो developed countries हैं जैसे जापान वगैरह उसमें Hashimoto's का बहुत important है, कि वहाँ पर ये disease बहुत common है, autoimmune है, क्योंकि इसके खिलाफ एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है ना। अच्छा देखिए अदर कॉजेज क्या हो सकती हैं आपकी, कंजनाइटल एबनॉर्मलिटीज हो सकती है ड्यूरिंग कॉजिंग ट्रांजिएंट इन्फ्लेमेशन या सर्जिकल रिमूवल या रेडियो एब्लेशन ऑफ द थायराइड, ड्रग्स में आपको बताया। ठीक है, वो रीजन हो सकती है कि कंटिन्यूस इतनी ड्रग्स लेनी है आपने एमायोडेरोन की, उसने थायराइड को ही हार्पो में चला गया है, लिथियम के इंटेक आपने ले लिया है। ठीक है, और ये कुछ डिजीजें एमाइलोडोसिस है, सार्कोइडोसिस है, ठीक है, इसमें भी थायराइड का मेल फंक्शन नष्ट हो जाता है। सम फॉर्म ऑफ हाइपोथायरॉइडिज्म कैन रिजल्ट इन मैक्सिमा एंड सीवियर केसेस कैन रिजल्ट इन द मैक्सिमा कोमा। अच्छा देखिए ग्रेव डिजीज में वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्या है कि बस इसके बाद एक ही स्लाइड है फिर बंद कर देंगे। Grave disease बहुत important है, is an autoimmune disorder that is most common cause of hyperthyroidism. ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक unknown reason की वजह से auto antibodies body के अपने ही खिलाफ auto antibodies develop हो रही है, और ये किसमें develop हो रही है, against the thyroid stimulating hormone receptor के खिलाफ ये generate हो रही है। These antibodies क्या activate करवाती है, जाहिर receptor के खिलाफ जो कि thyroid को stimulate कर रहा है hormone, उस receptor के खिलाफ ये antibodies develop कर रही है, तो जाहिर उसको एक्टिवेट करेगा, इसके नतीजे में क्या हुआ कि डेवलपमेंट ऑफ क्वाइटर, क्वाइटर की अपीयरेंस होना शुरू हो जाएगी और सिम्टम्स की आने शुरू हो जाएंगे हाइपरथायरॉइडिज्म की। जैसे कि मैंने आपको बताया क्या होता है इसमें, हाइपर में हीट टॉलरेंस इनटॉलरेंस होना शुरू हो जाएगा, वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, डायरिया होना शुरू हो जाएगा एंड द पाल्पिटेशन।
अच्छा ओकेजनली ये एंटीबॉडीज ब्लॉक कर सकती है बट डू नॉट एक्टिवेट द रिसेप्टर्स लीडिंग द सिम्पटम्स एसोसिएटेड विद द हेपेटोलिसिस. अच्छा ये एक ओकेजनल है तो आप अपने पार्ट रखें. अच्छा जनरल अगर आप देखेंगे तो इसमें आइस की प्रोट्यूजन होती है ग्रेव डिजीज में. ये आपका देखिए एमसीक्यूज है, आज एमसीक्यूज बहुत बन रहे हैं इसमें, तो ये इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि इन टॉपिक्स में से एमसीक्यूज आते हैं. पिचरी हो गया या थायराइड हो गया, इसमें से आते हैं. ग्रेव डिजीज की मैनिफेस्टेशन किस तरह से होगी कि प्रोट्यूजन होना शुरू हो जाती है आइस की, जिसको आप कहते हैं ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी, मे बी स्वेलिंग इन फ्रंट ऑफ द शिल्ड्स. ग्रेव डिजीज को आप कैसे डायग्नोज करेंगे, बाय द प्रेजेंस ऑफ द pathomonomic features like the involvement of the eyes and shins and isolation of the antibodies. Aap cells aap ferret test karwayenge log sab cheeze usko show karenge. Iske alawa clinical manifestation is very important, history checking bahut important hai jo ki aap third year mein sikhenge, wo sab cheeze aapko andaaza ho jayegi. Acha grave disease ko treat kiya jata hai with antithyroid gland drugs se, jaise ki propyl thioureases which decrease the production of the thyroid hormone. बट हाई रेट ऑफ रिलैप्स के इसके बड़े चांसेस है. मैंने आपको बताया ना कि टेम्पररी बेस पे तो आप इसको ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि चांसेस हैं रिलैप्स के. अगर आई की इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फिर तो आप रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज कर सकते हैं ताकि ग्लैंड को अप्लाई किया जा सके. ये एक चॉइसेस होते हैं, ठीक है, ये डॉक्टर आपका क्या सोचता है. अच्छा इन सबसे हटके हाइपो हाइपर ग्रेव से हटके एक मैंने आपको बताया बार बार कि गोइटर अपीयर हो जाता है ना, अगर हाइपर भी होगा या हाइपो भी होगा तो गोइटर अपीयर हो जाएगा. एक व्हाट इज गोइटर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बता सकते हैं कि एक इनलार्ज थायराइड ग्लैंड इट्स आल्सो कॉल्ड द गोइटर. गोइटर इज प्रेजेंट इन सम फॉर्म्स इन अबाउट 5% ऑफ द पीपल एंड द रिजल्ट ऑफ द नंबर ऑफ कॉजेस दिस माइल्ड डेफिशिएंसी सबसे सेल्फ अरेस्ट है, ठीक है. टॉप मोस्ट आपका क्या कॉज होगा गोइटर का कि आप आराम से कह सकते हैं कि आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से ये अपीयरेंस होना शुरू हो जाता है इन फ्रंट ऑफ द नेक में. ऑटो इम्यून डिजीज जिसमें बहुत ग्रेव डिजीज भी आ जाती है, आपके हाशिमोटोज भी आ जाती है, इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन है या ऐसी डिजीज जो इनफिल्ट्रेटिव डिजीज है जो कि थायराइड को भी उसने आसानी के साथ वो रीच कर गया, एक्सेस किया, जिसमें सार्कोइडोसिस हो गया या एमाइलोडोसिस जिसने इन्वॉल्व कर लिया थायराइड को भी, उन केसेस में भी गोइटर की अपीयरेंस हो सकती है, ठीक है. और कभी कभार क्या होता है कि कोई कॉज ही नहीं समझ में आता तो आप उसको सिंपल गोइटर कहते हैं. सम फॉर्म्स ऑफ गोइटर एसोसिएटेड होते हैं पेन के साथ, ज्यादातर केसेस विदाउट पेन के साथ आते हैं पेशेंट्स के. क्लिनिकल में आप बहुत पेशेंट्स आएंगे तो आपको ज्यादा हो जाएगा. वेयर्स मैनी डू नॉट कॉज एनी सिम्पटम्स. इन लार्ज गोइटर्स मे एक्सटेंड बियॉन्ड द नॉर्मल पोजिशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड. थायराइड से जैसे जैसे बढ़ेगा तो वो उसके नॉर्मल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करेगा टू ब्लो द स्टर्नम तक अराउंड द एयरवे ऑफ द एसोफेगस. गोइटर एसोसिएटेड हो जाता है हाइपर और हाइपो दोनों कंडीशंस के साथ रिलेटिंग टू द अंडरलाइन कॉज ऑफ द गोइटर, ठीक है. अब ये देखें इसकी कॉजेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी क्लिनिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लिनिकल जब आप थर्ड ईयर में आएंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. हाइपो और हाइपर का डिफ्रेंसिएशन जो है वो आपको आना चाहिए, ये इसके मेंटेन फंक्शन होना चाहिए और इसका माइक्रो जो एनाटॉमी है या हिस्टोलॉजी है आपको किस तरह से पढ़नी वो आनी चाहिए, ठीक है. आज तक के लिए इतना ही था. इंशाल्लाह ताला अगर कॉलेज ओपन होते हैं तो फिर इंशाल्लाह मंडे से आपकी बकायदा क्लासेस होंगे, ठीक है. अल्लाह हाफिज. अवेश अगर आप मौजूद है तो प्लीज मुझे अवेयरनेस दें, ठीक है. और अगर अवेश नहीं है तो शायान आप जो है मुझे अटेंडेंस का स्क्रीन शॉट सेंड करवा दीजिएगा अवेश के थ्रू. कौन है मौजूद मुझे बताए. अवेश है, ठीक है. अवेश आप जो है अटेंडेंस मुझे सेंड कर दें लेकर. अच्छा मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ, ठीक है. Recording stopped.